तुमने स्वयं ही उनसे कहा था ना कि तुम उन्हें नृत्य सिखा दोगे। तुम ऐसे राजकुमारी का निरादर नहीं कर सकते, ये उचित नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, यदि मैं पद्मावती के समीप अधिक समय तक रहूंगा तो उनके मन में मेरे प्रति आस जाग सकती है, प्रेम जाग सकता है, जो मैं कदापि नहीं चाहता। बस 3 माह में कुछ भी करके मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत नृत्य में पद्मावती को सिखा दो और पद्मावती का कहीं विवाह हो जाए और वो वहाँ प्रसन्न रहे। क्या सोच रहे? अब व्यर्थ में इन सब के विषय में सोच रहे हैं, चिंता मत कीजिए, सब मुझ पे छोड़ दीजिए ना, मैं संभाल लूंगा। ठीक करो, करो अपने मन की करो, ना मुझे कुछ बताता है ना मेरी सुनता है। जो भी दिन भर बाहर थे, खाया तो होगा नहीं कुछ, भूख लगी होगी, चलो दोनों भाई मिलकर खाना ही खा लेते हैं। नहीं नहीं गोविंदराज, मैंने खा लिया है, मेरा भोजन हो गया, मुझे अब भूख नहीं है। मैं सारा दिन मंदिर में अकेले काम करता रहा ये सोचकर कि जब तुम आओगे तो दोनों भाई साथ मिलकर भोजन ही कर लेंगे, किंतु तुम तो बाहर से भोजन करके आ गए। तुम्हें कोई चिंता नहीं है ना मेरी ना हमारी मित्रता की, बस बस बहुत हो गया। जानता हूँ आपको बड़ा स्नेह है मुझसे, पर वही क्रोध के रूप में सामने आ रहा है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि केवल आप ही नहीं, कोई और भी है जो मेरे ही विषय में सोच रहा है। कोई इतना दूर कैसे हो सकता है भला? मुझे कितना भी प्रसन्न करने का प्रयास कर ले, मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली। और नहीं क्या समझता है अपने आप को, मैं उसके विषय में सोच भी क्यों रही हूं, ये तो सो जाना चाहिए ना। क्या ये स्वयं देख लीजिए। पायसम कहाँ से मिला तुम्हें? कहीं से मिला नहीं है, मैंने स्वयं बनाया है। मंदिर के रसोई घर में तो नहीं बनाया होगा, क्योंकि यहाँ तो तुम थे ही नहीं, फिर कहाँ बनाए? बताता हूँ, मैंने ये पायसम महर्षि भृगु के घर पे बनाया, उनके रसोई घर में। अवश्य बनाया होगा, कैसे बनाया? गुड गुड के अपने हाथों से बनाया। अब क्यों क्रोधित हो रहे हो? मैं विधि बता, विधि पूछ रहा हूं मैं। विधि नहीं पूछ रहे हो तो बोलो ना। मैंने पूछा कैसे बनाया, मैंने बताया कैसे बनाया। महर्षि भृगु ने अपने घर पे मुझे रसोइये के रूप में रखा है। क्या? हाँ। क्यों? क्यों कैसा प्रश्न है गोविंदराज? उन्होंने मुझे देखा, मुझमें प्रतिभा देखी, वो समझ गए कि इस व्यक्ति के भीतर पाक कला है। उन्होंने मुझे पहचान लिया। पहचान लिया? पहचान लिया। किंतु मैंने तो आज तक तुम्हें कभी कुछ पकाते हुए नहीं देखा। नहीं आप एक काम करो ना, यहाँ पे बातें कर लो, ये मैं आपके लिए तपा के लाया, उसका कोई अर्थ नहीं, अपने हाथों से बनाया उसका कोई अर्थ नहीं, मेरा कोई मूल्य नहीं। सोचा तो नहीं कि मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, खाना चाहिए नहीं। हेलो, अब बताओ कैसा लगा? पायसम तो अत्यंत स्वादिष्ट बना हुआ है। चलो बहुत अच्छा कार्य मिल गया तुम्हें, पर इस कार्य के लिए कुछ वेतन शुल्क कुछ मिल रहा है ना? 100 तांबे की मुद्राएं प्रतिमाह बस। अरे इतना धन तो बहुत अधिक होता है। श्री श्री देखो, अब इतना अच्छा कार्य मिला है तो अब इस कार्य में कोई भी चूक मत करना। समझ गया, चिंता मत कीजिए। जो कार्य करने के लिए मैं वहां गया हूं, पूर्ण मन के साथ करूंगा। क्या बात है पुत्री, सोई नहीं अब तक? नहीं नहीं माँ, सोनी ही जा रही थी।
जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, जो सो नहीं पा रही हूँ। नहीं नहीं, मेरे मन में तो कोई विचार नहीं चल रहा। माँ हूँ तुम्हारी, समझती हूँ कि वो श्रीनिवास तुम्हें मूर्ख और बड़बोला लगता है, जो बस बातें बनाना जानता है। परंतु अब जब तुमने मान ही लिया है कि वो अच्छा नृत्य करता है और कल से उससे नृत्य सीखने के लिए सहमत भी हो गई हो, तो अच्छे से बहुत मन से उससे सीखो। मन में थोड़ा भी द्वेष होना तो ज्ञान वहां ठहरता नहीं। एक विनती है तुमसे, कहिए ना। राजकुमारी पद्मावती को इतना व्यथित मत करो, सिखा दो नृत्य, सिखा। ठीक, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम पर। अरे मैं वो मंदिर के पट बंद करना भूल गया था, मैं अभी जाकर। नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, दिन भर कार्य करते हैं, थक गए होंगे, आप ये खाइए। मैं सारे कार्य कर लूंगा, आप निश्चिंत होके यहाँ पे पायसम का आनंद लीजिए। यदि आप थक गए हो तो आज मुझे बता देना, मैं आपके चरण भी दबा दूंगा। ये बड़े भाई मेरे गोविंद राज। हंस करो, अब रुलाओगे क्या मुझे? जाओ तुम, तुम्हारा इतना अधिक प्रेम बचेगा नहीं मुझे, मैं ही पायसम खाकर सो जाऊंगा। जाओ, अब जाओ भी। अब बस ये रात्रि शीघ्र बीत जाए ताकि सूर्योदय हो और तब मैं अपने मन के चंद्रमा के दर्शन कर सकूं, अपनी भार्गवी से मिल सकूं। मुझे याद तो है कि तुम इतनी शीघ्र मानने नहीं वाली हो भार्गवी, और ठीक भी है, इतनी शीघ्र प्रेम थोड़ी ना होता है, उसे तो पायसम की भांति धीरे धीरे मिठास से पकाना पड़ता है। तब यही मैं करूँगा। माँ, माँ मुझे उससे कोई कला नहीं सीखनी और ना ही कोई नृत्य सीखना है, पता नहीं क्यों मुझे ना अत्यंत अभिमानी लगता है। भार्गवी, उसे एक अवसर तो दो, क्या पता तुम्हारा मन बदल जाए। अभी बहुत रात्रि हो गई है, तुम सो जाओ। पहले मेरी सखिया और अब मेरी माँ, सबको अपनी बातों में कर रखा है इसने, सब लोग मुझे ही क्यों समझा रहे, एक एक करके सबको अपने पक्ष में कर लिया उसने, समझता क्या है ये अपने आप को। मानी दूर से कल, इसे तो मैं कल समझाती हूँ। यदि कल मैंने इसे यहाँ से भगा नहीं दिया तो मेरा नाम भी भार्गवी नहीं। जितना भागोगे उतना ही निकट आऊंगा मैं भार्गवी। राजकुमारी, क्षमा कीजिए, मैं समय पे आ नहीं पाया, अत्यंत व्यस्त हो गया था मैं। और ये क्या आपका भोजन, आपने भोजन भी नहीं किया है, कुछ खा लीजिए ना। नहीं, वो भोजन के पश्चात अभ्यास नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए। तुम अभी मुझे नृत्य सिखाओगे ना? मैं भी कैसा प्रश्न पूछ रही हूँ, तुम पूरा दिन बाहर थे, थक गए होगे ना। यदि तुम विश्राम करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगी नृत्य सीखने, या जब भी तुम्हारा मन करे सिखाने का तब तुम सिखाना, मैं प्रतीक्षा करूंगी। मैं आपको कोई झूठी आशा नहीं देना चाहता राजकुमारी, परंतु मैं आपको ऐसे दुखी भी नहीं कर सकता। नहीं राजकुमारी, आपने अपनी प्रतिभा का, अपने कौशल्य का, नृत्य के प्रति आपके समर्पण का परिचय दे दिया है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं आपको नृत्य सिखाऊंगा और वो भी अभी इसी क्षण। गुरु ब्रह्मा, अपना हाथ आगे कीजिए राजकुमारी। गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। ये धागा एक प्रतीक है कि मैं अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ
और सच्चे मन के साथ आपको कला सिखाऊंगा। मैं आपको एक शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ।